कार लवर्स के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल बुधवार 16 मार्च को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल मिराई लॉन्च किया। टोयोटा मिराई FCEV दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है जो प्योर हाइड्रोजन से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इतना ही नहीं, कार टेल पाइप से सिर्फ पानी मतलब वाटर का ही इमिशन करती है, जिस वजह से इसे रियल जीरो इमिशन व्हीकल भी माना जाता है। जानकारी के अनुसार टोयोटा मिराई के हाइड्रोजन टैंक को केवल 5 मिनट में ही पूरी तरह से भरा जा सकता है। फुल टैंक हाइड्रोजन पर यह कार 646 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। टोयोटा मिराई सेडान हाई प्रेशर हाइड्रोजन फ्यूल टैंक के साथ में आती है। पावर ट्रेन हाइड्रोजन को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ता है और उससे एनर्जी जनरेट करता है। इंटरनल कंबशन इंजन की तरह गैस इमिशन करने के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन तेल पाइप से पानी इमिशन करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका मकसद हाइड्रोजन FCEV टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाना है। जानकारी के लिए बता दूं कि टोयोटा मिराई के कॉन्सेप्ट मॉडल को 2020 में पहली बार पेश किया गया था। कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आपको अच्छा लगा या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली जो गाड़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।